शुक्रिया। I love you too। वो रही वो। तुम कहाँ जा रहे हो? Hi Barbie। एक वैम्पायर? मैं तुम्हारे जैसे इंसानों को नाश्ते में खाती हूँ। ओह नहीं, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए? मुझे, मुझे भी। मुझे वैम्पायर्स बहुत पसंद है। हाँ? ऐसे कैसे? मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। प्लीज, मैं फिर से पॉपुलर बनना चाहती हूँ। नहीं, मेरा मेकअप खराब हो गया। इसे ठीक करते हैं। अब हम वैम्पायर जैसा मेकअप करेंगे। कॉन्टोरिंग। उप्स, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हाइलाइटर। और ब्लश। और ये आ गया की चेन स्पंज। अच्छे से ब्लेंड करो। शुक्रिया और बाय। फेस पाउडर? ये वाला नहीं, हमें एक स्पेशल वैम्पायर पाउडर चाहिए। अब काफी पेल है। एक आइडिया है, मैं पार्चमेंट पेपर पर ऑयली लोशन लगाऊंगी। ये बन गए नकली आंसू। थोड़ा और पिंक ग्लिटर। अब ये शानदार खून के आंसू तैयार हैं। आग के नीचे ग्लिटर लगाएंगे, ब्लैक लिप लाइनर और पिंक लिप। शानदार कॉम्बो। मैं फैंग्स को भूल गयी। अब आखिर में एक आई कलर चुनेंगे। ब्लू रंग ठीक रहेगा। डार्कर लैशेस, बच कर रहना। नैंसी, तुम यहाँ हो? हे लड़कियों, क्या ये बार्बी है? वो बहुत क्यूट है। हाय। उप्स, बैट, क्या तुम्हें भी दिख रहे हैं? मेरा फोन। तुम लॉकर में ही रहो। ओह हाय, क्या मैं अभी भी पजामास में हूँ? हेलो और बाय। रुको, मेरी मदद करो। एक सिल्वर रिंग, सच में? तुम मुझे एक वैम्पायर बना दोगी? डील। पर तुम्हें पहले लिस्ट के सारे काम करने होंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर, वो हम देख लेंगे। वाह, ठीक है, डील। बोरिंग, बोरिंग। अब ये थोड़ा एक्साइटिंग है। कॉलेज में एक वैम्पायर है और मैं उसे पकड़ लूंगा। मुझे थोड़ा सिल्वर चाहिए। हो गया। गार्लिक क्लीन फ्रेग्रेंस। हो गया। वैम्पायर पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है स्टेक मराकस। ओह हाँ, ग्लव्स, शीट्स। मेरा स्टाइल किसी भी वैम्पायर के होश उड़ा देगा। मैं सफाई से शुरू करूंगी। मैं धूल को साफ करती हूँ। मुझे भूख लगी है। लंच बहुत पास है। ये बहुत आसान है। यम, क्या? ओह नहीं, मेरे प्यारे फैंग्स। ये बस सपना था। सफाई हो गई। अच्छा है। मेरा होमवर्क हो गया। वो कहाँ है? शानदार। सफाई थका देती है। वैक्यूम क्लीनर बेड के नीचे नहीं जा रहा। मैं मदद करती हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग हो। शुक्रिया। मुझे भूख भी लग गई। हम दोनों को
कुछ खाएं। इतनी देर क्यों लग रही है? ये आ गई डिलीवरी। हाय, आपका ऑर्डर। कैश? हाँ। उपसी, मेरे पास कैश नहीं है। क्या? इसकी चिंता मत करो। डिलीवरी बॉय अच्छा खाना है। दोस्तों, मदद करो। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उतने पैसे मिलेंगे। शुक्रिया। मुझे कैश मिल गया। बाय। मुझे भूख लगी है। ये बर्गर खाओ, जो भी हो। बहुत अच्छा है। खाना खाने का अलग ही मजा है। क्या खाना है? हाँ, ये काफी तेज था। बोलना पड़ेगा, ये बहुत स्वादिष्ट था। रेड सॉस। कुछ समय पहले ही यहाँ एक वैम्पायर थी। नेल को ठीक करें। मैं और क्या कर सकती हूँ? फैंग्स गंदे हो गए हैं। इन्हें साफ करना चाहिए। पर्दों को हाथ मत लगाना। मैं जल रही हूँ। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। नहीं, अब सूरज चला गया। बाल बाल बची। ये बुरा है, मैं कभी बीच पर नहीं जा सकती। मेरे पास एक आइडिया है। ये अच्छा है। थोड़ी समुद्र की हवा तुम्हें अच्छी लगेगी। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं थक चुकी हूँ। प्लीज बस थोड़ा और। ठीक है, शुक्रिया। ये दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा था। क्या तुम अब मेरी वैम्पायर बनने में मदद करोगी? बिल्कुल, पर बात ये है कि अभी हमें कॉलेज के लिए निकलना होगा। एक वैम्पायर होना बड़ी जिम्मेदारी होती है। वाह, ये कौन है? ये वही है, पहली नजर का प्यार। वैम्पायर स्लेयर। क्या मैं क्यूट दिखता हूँ? हम जा रहे हैं। वो कहाँ है? मैं नहीं जाऊंगी। परछाई नहीं है। हे, हाय, मेरे साथ आओ। क्या परछाई नहीं है? ये अजीब है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। हमें ये ठीक करने होंगे। तुम क्या कर रही हो? भरोसा रखो। ठीक है, अब ये बढ़िया है। और भी है क्या? हाँ, एक मैजिक पोशन बनाते हैं। What? एक बैट। Oh, wow. एक म्यूटेंट फ्लाई और एक डायनासोर की हड्डी। एक स्पाइडर। मुझे डर लग रहा है। अब्राकडाब्रा। ये एक असली जादू है हेयर डाई बनाने के लिए। सच में ये अच्छा है। बालों के एक हिस्से पर डाई लगाएंगे और इसे फॉइल में लपेट देंगे। क्यूट है। तेजी से करने के लिए हेयर ड्रायर इस्तेमाल करेंगे। वाह, ये शानदार है। बिल्कुल ठीक। कुछ कलर स्ट्रैंड्स कैसे रहेंगे? प्लीज। ठीक है, ये रहे ब्राइट स्ट्रैंड्स। हाँ, अब मैं जा सकती हूँ। रुको, तुम ऐसे बनकर कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं? वैम्पायर्स ये नहीं पहनते। ये लो। ओ नहीं, ठीक है, इस टी शर्ट को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। आधा काटेंगे और स्टेंसिल से पैटर्न बनाएंगे। फैब्रिक पर ग्लू लगाएंगे। तुम्हारी बारी। थोड़ा ग्लिटर। वाह, ये कमाल है। बिल्कुल सही कहा। और पिंक टॉप की हमें अब जरूरत नहीं। वाह,
हम एक फोटोशूट करेंगे। ठीक है, अंदर आओ। क्या चेहरा डरावना है? देखते हैं। वाह, दोस्तों, आपको कैसा लगा? अब हमें जाना होगा। इस जगह से वैम्पायर की बदबू आ रही है। ये उसकी जैकेट है। ओह नहीं, ये खून है। एक फोटो। वो एक वैम्पायर है। हमें कुछ करना होगा। उसे पकड़ते हैं। ये मजेदार था। सही कहा, वैम्पायर स्लेयर आसपास है। वो रहा। मैं जा रही हूँ। हे, तुम कहाँ जा रही हो? पकड़ लिया। बाय। हे, तुम आखिर एक वैम्पायर क्यों हो? मेरा दिल टूट गया। इमोशनल होने का समय नहीं है। अपना काम करता हूँ। क्या? हाँ? गार्लिक प्रोटेक्शन, परफ्यूम मेरे पास भी है। एक सिल्वर शुरिकेन फोन, पकड़ लिया। ये लो मेरा फोन नंबर। नहीं, बहुत हो गया, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। सीक्रेट वेपन, मिराकल्स नहीं, ये मुझे पागल कर देगा। डांसिंग, अरे मुझे सिंगिंग पसंद है। बहुत हुआ, अब ये बंद करो। तुम हार गए। रुको जरा, देखते हैं ज्यादा ताकतवर कौन है। तुम नहीं जीत सकती। हाँ, क्या? मेरी बेस्टी, मैं सच में? ओह, तुम मेरा प्यार हो। मुझे पता था। अब सब मिलकर रहते हैं। मेरे फैंस वापस आ गए। हम तुमसे प्यार करते हैं। ये बढ़िया है। ब्रेन्स, ज़ॉम्बीज। मतलब मुझे एक ज़ॉम्बी बनना होगा। छोटे निशान, बढ़िया है। मैं ज़ॉम्बी का पूरा मेकअप करना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। इससे कॉलिन मुझ पर ध्यान जरूर देगा। ओह, कॉलिन। इसे क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। जूली, मैं मदद करूंगी। हेलो। हाय, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। तो तुम ज़ॉम्बी फैन हो और ये तुम्हारा क्रश है। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। ये काफी मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले इस ज़ॉम्बी मेकअप को हटाओ। इन नकली लैशेस को निकालो। लेंसेस की भी जरूरत नहीं है। गुड बाय लेंसेस। अब चेहरे को साफ करते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। अगला स्टेप क्लींजिंग है। ठीक है, मैं डुबकी लगाती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं चेहरे पर क्लींजिंग फोम लगा रही हूँ। फोम बढ़िया है। रुको, अगर तुम अपने चेहरे को वॉश करती हो तो तुम्हें इस मसाज ब्रश का इस्तेमाल करना होगा। बढ़िया। हम इसे ज़ॉम्बी ब्यूटी सेट के बिना नहीं कर सकते। सूखे कंपोनेंट को एक्टिवेटर के साथ मिक्स करें। आराम से इसे ब्रश की मदद से मसाज लाइन पर लगाएं। ज़ॉम्बी की तरह दिखने के लिए इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। घबराओ मत, गुनगुने पानी से सब ठीक हो जाएगा। ब्लड पील का एक ड्रॉप। अगला स्टेज हमेशा लोशन होता है, या फिर जेल, या फिर दोनों ही। मैं कहूंगी सिरम लगाओ। मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे उसके बिना दिखता ही नहीं है। हे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है?
मैं एक ज़ॉम्बी से मिला और मैं बेहोश हो गया। एक ज़ॉम्बी, वो भी असली में। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। चलो मेरे साथ आओ ज़ॉम्बी आर्सेनल। ये ज़ॉम्बी आर्मी का सामना करने के लिए काफी है। मैं इस पर काफी समय से काम कर रहा हूँ, काफी शानदार है। तो हम इस ज़ॉम्बी को कैसे ढूंढेंगे? What? ये वही है ज़ॉम्बी। नहीं, ये तो मेरी बहन है। ये ज़ॉम्बी बन गई थी। चलो तुम खुद ही देख लो, ये उसका कमरा है। देखो एक ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी, मेरा चश्मा कहाँ है? ओह, मेरा चेहरा। अब हम इन गंदे पिंपल्स को कैसे हटाएं? स्नैक खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन पिंपल्स अभी भी खत्म नहीं हुए, ये थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत स्वादिष्ट है, हम इन्हें केमिकल प्रोटेक्शन के बिना ठीक नहीं कर सकते। अब काम पर लगते हैं। हाँ, मैं टूल्स लाई हूँ। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम आंखें बंद रखोगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं इन्हें जल्दी ठीक कर दूंगी। ओह, ग्लासेस काम आएंगे। हैवी आर्टिलरी की भी जरूरत है। एक वैक्यूम फेशियल क्लींजर। क्या ये वॉर्म है? नहीं, मुझे पता था कि ये डिवाइस जल्दी ही एक्ने को गायब कर देगा। और रेडनेस के लिए पैचेस काम आएंगे। एक कैट, एक बनी, पूरी गैंग यहाँ है। पिंपल्स चले गए, लेकिन आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। मिरर में देखो, पैचेस कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे। ये रहे, बढ़िया। कैसा लग रहा है? ओह नहीं, ये लो अंडर आई पैचेस। तुम्हें एक पिंक बार्बी मास्क की जरूरत है। ये बहुत चमकीला है। थोड़ा इंतजार करो, अब पैचेस और मास्क निकाल लो। हटा रही हूँ, मास्क को उतारना काफी मजेदार है। मेरा चश्मा कहाँ है? ये नहीं, मेरे पास और भी है। नहीं, ये तो और भी बेकार है। ये बिल्कुल नहीं, ये मेरे फेवरेट है। तुम्हें बस कॉन्टेक्ट लेंसेज की जरूरत है। अच्छा आइडिया है। तुम्हारी नेल्स, इन्हें जल्दी ठीक करना होगा। पिंक पॉलिश बढ़िया रहेगी। मैं अपने नेल्स अलग तरीके से पॉलिश करती हूँ। इन्हें कुछ समय के लिए मिट्टी में रखते हैं। याइक्स, तुम्हें हैंड बाथ की जरूरत है। ये ब्रश सारी गंदगी को साफ कर देगा। अब बेहतर है? लगता तो नहीं। ये लो तुम्हारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग ग्लव्स। बहुत नरम है। मेरे हाथों की स्किन बिल्कुल सिल्क की तरह लग रही है। चलो नेल्स लगाएं। हमने टिप्स लिए हैं, चिपकाते हैं। आगे क्या? अब हम पॉलिश लगाएंगे। पिंक नहीं, ओ हाँ, पिंक बढ़िया है। वाओ, तुम इसकी मदद से ज़ॉम्बी का शिकार कर सकते हो, सच में। ओह ये। देखो और सीखो। बैंग। काफी बढ़िया है। अब तुम्हारी बारी। मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। सोचो कि तुम्हारे सामने एक ज़ॉम्बी है। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे ब्लास्टर दो। शुरुआत के लिए इसे इस्तेमाल करो। ठीक है, मुझे डर लग रहा है। आंखें बंद करके कोशिश करो। अभी भी डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो, ये काम करेगा। हाँ ब्रो, मैं तैयार हूँ। ये लो ज़ॉम्बीज, हमने कर दिखाया। ब्रो, क्लास के लिए शुक्रिया दोस्त। मैं तुम्हारे बालों को खूबसूरत बना दूंगी।
इन्हें ब्रश करते हैं। अब बहुत सारा स्टाइलिंग फोम। अब मैं तुम्हारे बालों पर प्रोडक्ट लगाकर इनका बन बना रही हूँ। क्लिप लगाओ। अब बचे हुए बालों को पोनीटेल में बांधकर इन्हें खूबसूरत बन की शेप दूंगी। और हेयर स्प्रे। और आगे के बाल को दो हिस्सों में बांट दे। हो गया। कैसा है? बेकार है। मुझे लंबे बाल ज्यादा पसंद है। सही हेयर स्टाइल चुनते हैं। नहीं नहीं। ओ हाँ। ओ वाओ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ओ नहीं, इसे जलाते हैं। रुको, ये फटने वाला है। हो गया। ज़ॉम्बी रूम एक बार्बी रूम में बदल गया। सब कुछ पिंक हो गया। मुझे पसंद आया। तुम शेल्फ पर जाओ। एव, ये कैसी स्मेल है? ये मेरा ज़ॉम्बी परफ्यूम है। पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। इसे देखो, ये खुशबू तो काफी बढ़िया है। मेकअप टाइम। मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ब्लेस यू। मेकअप पूरा हुआ। तुम क्या कर रही हो? इस कचरे को साफ कर रही हूँ। तुम्हें पता है ये मेरे पसंदीदा कपड़े हैं। अगर ज़ॉम्बी हमला कर दे तो ये सारा सामान 5 महीनों के लिए काफी है। ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ से भागने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बनाया है। जब ज़ॉम्बी हर तरफ होंगे तो ये सबसे सेफ जगह होगी। काफी दिलचस्प है। ज़ॉम्बी ज्यादातर भीड़ वाली जगह पर जाएंगे। सही कहा, लेकिन हम बच गए क्योंकि हम तैयार हैं। क्या तुमने इमरजेंसी के लिए खाने पीने का सामान खत्म कर दिया? ये गलती से हुआ। अब क्या होगा? तो क्या मैं क्यूट ज़ॉम्बी की तरह दिखती हूँ? नहीं, ये हथियार हमारे लिए काफी होंगे। क्या तुम्हारे पास हथियार है? मैं ज़ॉम्बी का शिकार करने जा रहा हूँ, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ओके। ठीक है, प्यारी लग रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हे, मैं भी चलूंगा। चलो चलें, कोई ज़ॉम्बी हमसे बच नहीं सकता है। वो काफी अच्छा था। मुझे ज़ॉम्बी बनकर मत डराओ। बार्बी स्टाइल तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। इसे पहन कर देखो। डरावने जूते। ज़ॉम्बी आ गया। ज़ॉम्बी, मेरे साथ आओ। हाय। मैं इससे पहले कभी इतनी सुंदर लड़की से नहीं मिला। शुक्रिया। ये कैसे कपड़े हैं? मैं कॉलिन हूँ। हे कॉलिन, फ्लावर मत भूलो। क्या अब कोई ज़ॉम्बी नहीं रहे? बहुत बुरा हुआ। ओह वाओ। लो मजे करो। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए है। हम एक परफेक्ट कपल हैं। ये एक नए घर के लिए एकदम सही जगह है। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो एक्स्ट्रा चीजें हटाएं। केन, मुझे कुछ मदद चाहिए। अब तुम अपने फिंगर्स मोड़ सकती हो। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, मैं वार्डरोब हटाता हूँ। मैं कैंडल ले जाती हूँ। मेरी आउटफिट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है।
मेरे पास एक आइडिया है। मेरी स्विंग मशीन हमेशा मेरे काम आती है। मैं एक कंस्ट्रक्शन आउटफिट सिलती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैंने नई आउटफिट बनाई है। ये किसके लिए है? मेरे लिए। डा, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। नहीं, हमें और पिंक चाहिए। बढ़िया है। अब ये ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह हाँ, मैंने कर दिया। केन, क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? लग रही हो। मेरे आउटफिट का क्या? ये लो, ट्राई करो इसे। ये अच्छी तरह फिट हो गए। तुम मेरी रूम की सफाई में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। टैबलेट? ये ठीक है, हम रूम की पिक्चर लेंगे। अब क्या? पिक्चर में से काउच को हटाओ और ये असलियत में गायब हो जाएंगे। अब क्लोजेट और वार्डरोब का समय है। ये बढ़िया है। पेंटिंग्स और ये प्लांट्स भी हटाओ। क्या मैं भी एक बार कर सकती हूँ? अभी नहीं, मैं इस क्लॉक को हटाऊंगी। बढ़िया है। क्या तुम तैयार हो? चलो इसे शुरू करें। हमें कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स मिल गए। मैं शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हमें पेंसिल से डिजाइन का स्केच बनाना होगा। असली जादू अब होने वाला है। ये हमारे रूम का बेस है। क्या मैं पिक्चर बना सकता हूँ? ठीक है, तुम कर सकते हो। शुक्रिया, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जो भी चाहूँ। ओह हाँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन जीनियस हूँ। केन, वो क्या है? अच्छा होगा अगर तुम मुझे पेंसिल दे दो। ठीक है, मैं खुद फ्रेम बनाऊंगी। थोड़े टुकड़े और, सब हो गया। पेंसिल ने उसे जल्दी कर दिया। केन, तुम्हें कैसा लगा? वो हो। बार्बी, तुम मेरी साइड की तरफ हो। जो भी है। केन, तुम अब मेरी साइड हो। अपनी साइड में वापस जाओ। हमें एक दीवार की जरूरत है। लगभग हो गया। मुझे बस अब स्क्रूज को टाइट करना है। अरे यार, ड्रिल खराब हो गई। हे, तुम्हें मदद चाहिए? ओह हाँ, मुझे सही में चाहिए। ये लो, हैमर। खैर, शुक्रिया। वाओ। केन, मैंने बना दिया। मैं इधर हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आसान था। इधर कोई वॉल नहीं है। ज्यादा सप्लाईज नहीं थे। जो भी हो, मेरे फॉलोअर्स मुझे मिस कर रहे हैं। कौन सा पेंट कलर चुनना चाहिए? केन, तुम्हें क्या लगता है? दोनों बढ़िया है, कोई एक ही बताओ। ओप्स। ओह नहीं, मेरा चेहरा। मेरे फॉलोअर्स डर जाएंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी। किस फेस को चुनना चाहिए? मिल गया। इसे लगाते हैं। फिर, शुक्रिया, मैं ठीक हो गया। पिंक का कौन सा शेड बढ़िया रहेगा? ये वाला अच्छे से काम करेगा। अब मैं पेंट कर सकती हूँ। वो हो, ये काम कर गया। ये एक पिंक डिजास्टर है। बार्बी, अपनी आंखें बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस पिंक को थोड़ा कम सैचुरेट होना चाहिए। हो गया, अपनी आंखें खोलो। शानदार। मुझे पसंद आया। लेकिन केन, हमारे घर में छत नहीं है। बिल्कुल सही, इसका कुछ करो। तुम्हें कौन सी टाइल्स पसंद है? यहाँ पिंक नहीं है। ये लो, अब हमारे पास एक परफेक्ट कलर है। कूल। आओ छत बनाए। वाओ, ये शानदार है। और छत तैयार है।
ये क्या है? मुझे पता है इसका क्या करना है। सच में? हाँ। ये वॉल और विंडोज डेकोरेटिंग के लिए बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। और मैंने एक साइन बनाया है, ये रूम मेरा है। मुझे भी एक साइन चाहिए, बार्बी और केन की जगह। ये अच्छा नहीं है, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे लिए एक नया साइन बनाती हूँ, केन की जगह। शुक्रिया। बस अब जगह बदलनी है और चेंज करना है, हमारा काम हो गया। हमें फर्नीचर की जरूरत है। मुझे कुछ बेड्स चाहिए। डिलीवरी गाय आ गया। इतना काफी है। आपका ऑर्डर। कोई है? क्या ये डॉल है? पैसे असली है? ठीक है, मेरा पैकेज बहुत भारी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लगभग पहुँच गए। आखिरकार। मदद के लिए शुक्रिया। आओ देखें अंदर क्या है। हेलो, यही चाहिए था। सच में? बिल्कुल, देखो। बेड तैयार है। वो हो, मैं भी ट्राई करता हूँ। ये काम कर गया। हमारा घर बहुत अच्छा है। मैं इसका दीवाना हो रहा हूँ। शुक्रिया केन, ये घर बहुत प्यार से बनाया है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैगजीन्स के कवर पर मैं हूँ। मैं इनको पोस्टर्स में बदल दूंगा। अच्छा लगता है। इसे इधर और उधर से काटो। बढ़िया। कूड़ा फैलाना बुरी बात है। हो गया, वॉल सजाने का समय है। मैं सच में नए पोस्टर्स में हूँ। दिन के आखिर में मैं एक सुपर फोटोजेनिक स्टार हूँ। केन, देखो तुमने कितना कूड़ा फैला दिया। तुम थोड़ा संभल कर काम कर सकते थे। केन, तुम कहाँ हो? मुझे क्लीनिंग नहीं पसंद। छुपना होगा, बार्बी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या दोस्तों, आपको पता है केन कहाँ है? नीचे कमेंट्स करें। खैर, वो अपना कूड़ा उठा लेगा। वैक्यूम क्लीनर की साउंड शुरू करो। बार्बी ने सफाई कर ली। तुम वापस आ गए। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है।